हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू परवल की सब्जी और बनाने का बिल्कुल नया तरीका। तो चलिए देखिए कि ये सब्जी कैसे बनी हुई है और बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना टमाटर, बिना धनिया पत्ते के। ये चारों चीज़ इस सब्जी में नहीं है फ्रेंड्स, और मसाला भी कुछ अलग है। तो इसको बनाना एक बार तो बनता है। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पता चलेगा कि इस सब्जी में क्या ऐसा चीज़ है जिससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और सबका फेवरेट, बच्चों तक का फेवरेट फ्रेंड्स है। बच्चों भी बहुत मन से खाएंगे इस सब्जी को, और मेरे बच्चे तो खाए बहुत मन से और तारीफ भी खूब किए फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, बनाना एक बार बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने 4 आलू बड़े साइज का है, और इसमें मैंने परवल लिया हुआ है। तो परवल को 2 भाग में ऐसे ही कट कर लेंगे, और इसका बीज बिल्कुल नहीं फेंकना है, हमें उसको रखना है फ्रेंड्स। बच्चे क्या होता है ना, बीज नहीं खाते हैं, परवल में जैसे बीज होता है अंदर के साइड ना, तो वो नहीं खाते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको भी रखना है, वो बहुत फायदेमंद होता है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, उसमें तेल डाल दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया, उसके बाद परवल को भुनेंगे। परवल को अच्छे से भुनेंगे, तब तक जब तक परवल भुन रहा है तब तक हमें आलू को कट करना है। दोनों काम एक साथ करते रहना है ताकि जल्दी से काम फिनिश हो जाए। जल्दी जल्दी काम खत्म करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, तो मेरा तो आदत है जल्दी जल्दी काम करने का। तो देखिए यहाँ पे मैं परवल को यहाँ पे भून रही हूँ, और इधर आलू को भी कट कर रही हूँ। साथ के साथ अपना काम होता जाता है ताकि बच्चे ना समय पे अपने आ जाएंगे और काम बिल्कुल नहीं करने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे परवल भून के रेडी हो गया है, उसके बाद हमें इसमें आलू भी ऐड करना है। आलू को भी भून के रख लेना है, और थोड़ा सा मेरा ना दिक्कत हो गया है कैमरे के वजह से, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मेरे को माफ़ करिएगा, ताकि कैमरा बहुत हिल रहा था उधर। यहाँ पे देखिए मैं जो परवल है ना उसका बीज रखा हुआ है सारा निकाल के, और यहाँ पे जितना आपको तीखा पसंद है उतना तीखा रखिए। और यहाँ पे देखिए नारियल, कच्चा जो नारियल होता है ना उसको इसमें ज़रूर ऐड करना है फ्रेंड्स। और ये बीज, ये दोनों चीज़ ना सब्जी में 4 चांद लगा देगा फ्रेंड्स, तो सब्जी इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो इसको आप ज़रूर ऐड करिए। इधर देखिए मैंने मिर्च लिया हुआ है 2, और उसके बाद जीरा लिया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको पीस के एक फाइन पेस्ट बना के रख लेना है। इधर आलू भी भून के रेडी हो गया है, तो इसको क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। आलू को निकाल के और परवल दोनों एक साइड में रख लेंगे, उसके बाद से कढ़ाई में फिर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही तेल ऐड करेंगे। और इसमें तड़का देंगे जीरे से, तो जीरा का तड़का देंगे, इसके बाद उसमें कुछ नहीं ऐड करना है। तो देखिए मैंने जीरा ऐड कर दिया, बस उसके बाद से इसमें हमें जो पेस्ट बना के रखा था ना उसको इसमें ऐड कर देंगे, और मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, और उसके बाद से इसको चला के ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जब तक पकेगा तब तक इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च जो तीखा नहीं होता है, क्योंकि हमने मिर्चा भी ऐड किया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा मिर्च भी ऐड किया हुआ है, 1 या 2 मिर्च ऐड किया हुआ है, तो इससे तीखा हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें अब बिल्कुल लाल मिर्च नहीं ऐड करना है, तो मैं काश्मीरी लाल मिर्च ही ऐड करती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट भी आता है और कलर भी आता है। तो देखिए यहाँ पर मसाला भून के रेडी हो गया है। अब देखिए बिल्कुल ही भून के रेडी हो गया है। जब मसाला तेल छोड़ देना तो बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये भून के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मसाला भून के रेडी हो गया है। इसमें अब 1 कप पानी ऐड करना है। आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए और उससे इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो मैंने 1 कप पानी ऐड किया हुआ है, और इसको थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे बुलबुले अच्छे से आ गए हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है परवल, दोनों एक साथ नहीं ऐड करना है, परवल को ऐड करके उसके बाद से इसको चला लेना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से मसाला ना जो परवल में है वो अच्छे से मिल जाए। तो देखिए, और ये मसाला ना जैसे हम सब्जी बनाते हैं, हमेशा सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल अलग होगा इसका टेस्ट। तो एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। तो अब जाके आलू 2 मिनट बाद इसमें आलू ऐड करना है, एक साथ दोनों नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स।
तो देखिए आलू परवल की सब्जी इतनी टेस्टी और बिना प्याज बिना लहसुन बिना टमाटर और बिना धनिया पत्ता के। तो ये सारे चीज़ ना देखिए कैसे बना हुआ है, ताकि इतना टेस्टी बना हुआ है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। मिलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा फ्रेंड्स। तो देखिए देखने में ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे सूखा ही बनाना है। सूखी सब्जी चावल दाल पे भी आप खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। रोटी के लिए थोड़ा सा ऐसे में इसका सही है, रोटी के लिए आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसलिए कि परवल भी भुना हुआ है आलू भी भुना हुआ है। तो ये सब्जी बन के रेडी है, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना मतलब एकदम टेस्टी, मुंह में पानी आ जाएगा आपको। एक बार जरूर इसको बना के ट्राई करिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत टेस्टी सी सब्जी बन के रेडी हो रही है। और इसके बाद से अभी ना ये 2 मिनट तक और पकने देंगे इसको। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे हम। ये 2 मिनट हो गए हैं और ये पक के रेडी हो गया। अब इसमें मसाला हमें ऐड करना है, मैगी मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैगी मसाला आप ऐड करिए और इसका टेस्ट देखिए फ्रेंड्स। और देखिए आलू भी ना बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब देखिए ये सब्जी कितनी खूबसूरत दिख रही है और बहुत ही टेस्टी। मेरे बच्चे तो बोल रहे थे, मम्मी बिल्कुल ना जैसे शादी विवाह में नई सब्जी सूखी वाली बनती है आलू परवल की, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें वही है कि प्याज लहसुन टमाटर धनिया कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और वैसी सब्जी का टेस्ट आना बहुत ही मुश्किल सब्जी है। लेकिन ये देखिए कितनी आसानी से हमने आपको बना के दिखाया है, ट्राई किया है कि आपको भी ये सब्जी मतलब पसंद आए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी सब्जी कैसी लगी। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। नहीं आए तो भी कमेंट करिए, पसंद आए तो भी कमेंट करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, लाइक भी करिए। और देखिए आप एक लाइक किए हैं, देखिए मैं आपको सब्जी खिला रही हूँ यहाँ पे, पेस्ट करके आप कमेंट भी करके बताइए और सब्सक्राइब भी करके जाइए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको इसको पता चलेगा कि ये सब्जी कैसे बनी हुई है और कितनी टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, आपका एरी हो गई है, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको ये पसंद आया या नहीं। तो फिर मिलेंगे एक